आम चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश का जो किस्मत है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो कुल मिलाकर 2-4 महीने में ही अपना एक मुखिया चुनने वाली है, लोग प्रतिनिधि चुनने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकलांगों की भूमिका भी आप लोग जैसा देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने एक ऐसा संगठन खड़ा किया पूरे प्रदेश में, जिसे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ, जैसा आपको जानकारी है, कांग्रेस ने हमारे लोगों को ही, जिनको हम लोगों ने पार्टी से निकाला था, उनको लेकर कांग्रेस में दिव्यांग प्रकोष्ठ, और बहुत जल्दी आप विकलांगों का सम्मेलन करने जा रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में विकलांग अब की बार जैसे पिछली बार या उसके पहले जातियाँ महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विकलांगों के लिए एकता और गर्व की बात है कि विकलांग महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चूँकि अपने आप में एक अकेला राजनीतिक दल है जो विकलांगों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तन्मय श्रीवास्तव पिछला विधानसभा का चुनाव उन्नाव से लड़ चुके हैं, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इनके युवा जोश को देखते हुए आगे चुनाव को लीड करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर रही है। आज हम उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे आप लोगों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताने आए थे कि देखिए आज विकलांगों का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है जो राजनीतिक दल करने वाले हैं, लेकिन आप लोग उनके बहकावे में ना आवें और अपनी पार्टी का ध्यान रखें, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का, क्योंकि जब तक विकलांगता का दर्द भोग रहा व्यक्ति विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, तब तक विकलांगों को समस्या क्या है उसके विषय में कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। अगर ये पार्टियां किसी प्रकार से एकाध विकलांग को चुनकर भेज भी देती हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो आप ये ज़रूर मानिए कि वो पार्टी लाइन पर ही वहाँ बात करने वाले हैं, विकलांगों की बात करने वाले नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रतिनिधि वो चुनकर जाए, तब जाकर वो विकलांगों की बात कह पाएगा। और इसी के लिए हम लोग आज छोटी सी बैठक भी यहाँ उन्नाव के जनपद के जो लोग हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन भी कर रहे हैं, और ये लोग अपना आगे काम बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हमारा 50 सीटों पर कन्फर्म एकदम लड़ना सुनिश्चित है, कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा सीटों पर भी लड़ें।